सम्यक सवाल, सवाल हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ, सवाल जो सोच बदल दे। आपके यहाँ आपके बुद्ध विहार में तीन सवाल के जवाब दीजिए और जीतिए इनाम। आपके बुद्ध विहार में बौद्धिक सवाल, सवाल हमारे जवाब आपके। जुड़िए आप भी लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। एक बार फिर से प्रस्तुत सम्यक सवाल। अहं शम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वकातो भगवता धम्मो धम्मं नमः स्वामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सांगं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सांगं शरणं गच्छामि। द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि सांगं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि सांगं शरणं गच्छामि। पानातिपातावेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदानावेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अमे सुमिच्छाचारावेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मोसावादावेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरे मज्जपमादठानावेरमणि सिक्खापदं समादियामि, शब्दपापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्तपरियोदकनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संगं नमामि। जय भीम, स्वागत है आपका सम्यक सवाल इस कार्यक्रम में। मैं हूँ प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम भारत के उस क्षेत्र में जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। जब भी मध्य प्रदेश की बात करते तो सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी वो नागपुर में हुई थी और जिन्होंने हमें दम दिया था
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में। और आज जो लॉर्ड बुद्धा टीवी की जो टीम है वो मध्य प्रदेश में है, और जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, चाहे फिर वो सांची का स्तूप हो या फिर सम्राट अशोक ने बनाई हुई गुफाएं, ये सारी सबसे ज़्यादा है गुफाएं जो है राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक और पूरे भारत में 84,000 स्तूप जो बनवाए थे। लेकिन सबसे अच्छा जो सांची का स्तूप है, आज भी जो विश्व प्रसिद्ध है, उसका कारण है सम्राट अशोक। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुफाएं तथागत बुद्ध की हमें दिखाई दी जाती है। और आज हम उसी क्षेत्र में जिसे हम बालाघाट कहते हैं, और बालाघाट में ये मलाज खंड है, कॉपर प्रोजेक्ट जो SCL का प्रोजेक्ट है, इस यहाँ पे विहार है, भव्य दिव्य बुद्ध विहार है, जिस बुद्ध विहार का नाम है धम्मदीप बुद्ध विहार, मलाज खंड, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो शुरू करते सम्यक सवाल। सम्यक सवाल ऐसी प्रतियोगिता है महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के नहीं सारे विश्व के जिन जिन महापुरुषों ने विषमता नष्ट करने का काम किया है, ऐसे महापुरुषों की युग प्रवर्तक जीवन गाथा आपका अपना कार्यक्रम सम्यक सवाल। और इस कार्यक्रम के आज के जो मुख्य अतिथि है, हमारे जो बालाघाट के रिप्रेजेंटेटिव साथी है, वो है विजय बोरकर जी, हमारे साथी रामटेके जी, और खास करके हमारे जो बुजुर्ग धम्म उपासक है, हमारे साथी युवराज बारमाटे जी। तो शुरू करते सम्यक सवाल। आपको देना है 3 सवालों के सही जवाब। अगर आपके 3 सवालों के सही जवाब है तो आपको मिलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर की ओर से चार्ट, और विजय बोरकर की तरफ से ये डायरी है। तो चलो आज का सवाल ये रहा, बहुत ही आसान सा सवाल है। उर्वेला कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप, ये तीनों कश्यप बंधुओं को तथागत बुद्ध ने किस शहर में धम्म दीक्षा दी थी, उस शहर का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है। जब भी हम बुद्ध और उनका धम्म की बात करते हैं तो गया कश्यप, नदी कश्यप और उर्वेला कश्यप, इन तीनों कश्यप बंधुओं को तथागत बुद्ध ने किस शहर में धम्म दीक्षा दी थी, उस शहर का नाम क्या था? कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? हमारे साथ है धम्म उपासक है, एक आई का हाथ ऊपर है, आइए आप सामने। जय भीम। आपका नाम? गोपिका वासनिक। क्या करती हो आइए आप? कुछ नहीं करती, मैं घर ही में रहती हूँ। अच्छा, और विहार में आते हैं? क्या करते हो विहार में आने के बाद? विहार में आते हैं, पूजा वंदना करते हैं। अच्छा जी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? वाराणसी। पक्का? पक्का। देखिए हम टैली करके सही है या गलत है आपका जवाब, देखते हैं आई का जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आई, आपने जो जवाब दिया है वो अभी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां, वाराणसी, बहुत ही सही जवाब दिया है आपने। दूसरा सवाल, जब भी हम कुशीनारा की बात करते हैं और कुशीनारा में वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध का निर्वाण हुआ था, तो तथागत बुद्ध का निर्वाण किस वृक्ष के नीचे हुआ था, उस वृक्ष का नाम क्या है? साल वृक्ष। साल वृक्ष। पक्का जी? देखिए हम टैली करके, बहुत ही बढ़िया सही जवाब, ताली तो ये लोग कंजूस करते हैं ताली बजाने के लिए, कम से कम किसी ने सही जवाब दिया, इनको अच्छे अप्रिशिएट करो, जोरदार ताली होनी चाहिए आई के लिए, बहुत अच्छा। आई तीसरा सवाल, इसका मतलब आप बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हो आप? रात में सोते वक्त। अच्छा, और ये तीसरा सवाल, ये भी आसान सा सवाल है, और आप इस वो चार्ट जो रखे ना, वो बहुत प्रतीक्षा कर रहा है कि आपके हाथ में आने की, लेकिन कब आएगा वो, जब तीसरे सवाल का सही जवाब देंगी। और ये रहा तीसरा सवाल, नंद के माता और पिता का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है, जब भी हम पहला पन्ना खोलते हैं तो ये जानकारी हमें मिलती है, नंद के माता और पिता का नाम क्या था? नंद शुद्धोधन और महाप्रजापति। शुद्धधन और महाप्रजापति जी। गौतमी। पक्का जी? पक्का जी जी जी। देखते हैं इनका जवाब टैली करके, लेकिन आप अभी गलत साबित नहीं, वो बिल्कुल सही साबित हो गई है, तीनों सवाल के एक ही स्ट्रोक में तीनों सवालों के सही जवाब दिए। और इनका सत्कार करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ हमारे साथी विजय बोरकर जी और युवराज बारमाटे जी, इनका सत्कार करें।
जब भी हम तथागत बुद्ध की बात करते या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते या फिर महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करते या फिर संत कबीर की बात करते, ये सारे जो महामानव है जिन्होंने हमें विषमता नष्ट यानी समानता प्रस्थापित करने का काम किया है, तो ये रहा सवाल। 8 जून 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विधि पूर्वक कौन सी डिग्री मिली थी, उस डिग्री का नाम क्या था? 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विधि पूर्वक कौन सी डिग्री प्रदान की थी, उस डिग्री का नाम क्या था? कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? हमारे साथ सभी साथी है, चलो इनसे जानते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। 8 जून 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कौन सी डिग्री विधिपूर्वक या सम्मान पूर्वक प्रदान की थी, उस डिग्री का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है। और हमारे साथ खेलने के लिए, सम्यक सवाल प्रतियोगिता खेलने के लिए हमारे सभी बौद्ध बांधव है, चलो इनसे पूछते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। आइए आप, और आप भी आइए, दोनों विद्यार्थी, चलो इनसे साथ खेलेंगे हम सम्यक सवाल प्रतियोगिता। सामने आइए। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? अदिति मेश्राम। अदिति, क्या करती हो अदिति आप? 9th क्लास में। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो अदिति आप? MBBS डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर ही आपने जो प्रोफेशन है क्यों चूज किया है? पैसे या पैसे देके आपको डॉक्टर बनना है बड़ा हो कि या फिर सर्विस देके? सर्विस देके। अच्छा, पैसे नहीं लेंगे आप? ले भी सकते। अरे नहीं, जब तक पैसे नहीं लेंगे तो दवाखाना हॉस्पिटल नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल सर्विस में आता है। अच्छा, आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से हार्दिक मंगल कामना। और आप क्या करते हो? सर मैं गेस्ट टीचर हूँ सर। अच्छा, यानी मतलब यहाँ पे सर मध्य प्रदेश में सर अतिथि शिक्षक। अच्छा, अतिथि जी सर। अच्छा, गेस्ट शिक्षक जी सर। हमारे इधर कौन सा उसको रोजनदारी शिक्षक बोलते हैं। हाँ, तो चलो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? पॉलिटिक्स सर। पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा है आपका पॉलिटिक्स। ठीक ठाक ही है सर वैसे सर। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? विकल्प चाहिए और पता है आपको? विकल्प दे दीजिए सर। ये रहे आपके विकल्प। पहला विकल्प हो सकता है बारैटलॉथ, दूसरा विकल्प हो सकता है MSc, तीसरा विकल्प हो सकता है DSc, और चौथा विकल्प हो सकता है PhD। हमारे टीचर है, सुनते इनका सही जवाब क्या है? PhD सर। PhD, आपको क्या लगता है? सर PhD। इनके साथ हो या फिर आपने दिल से बात की है, दिमाग से खेल रही हो आप? सर दिमाग से। दिमाग से PhD। हम भी टैली करके देखें सही है या गलत है। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है, और दोनों ये गलत साबित नहीं हो चुके, सही साबित हो चुके। जोरदार तालियां, क्योंकि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो 1916 में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन कुछ खमियाँ थी और बाबा साहब ने जो तीखे विचार लिखे थे उस तीखे विचार को कम कर दिया था, और 1916 से 10 साल लगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को PhD मिलने के लिए। बहुत अच्छा सही जवाब दिया है सर आपने। ये रहा दूसरा सवाल आपके लिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, भारतीय संविधान की बात करते, और भारतीय संविधान जो है वो हमारा देश तो चलाती है, लेकिन सारे लोग सवेरे उठने से लेकर सोने तक संविधान के ऊपर ही काम करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल, क्योंकि दोनों बराबर है, आप भी पॉलिटिकल साइंस जानना चाहते हैं और सर भी हैं। चलो दोनों के लिए ये सवाल है, जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आपको इस सवाल का सही जवाब देना है। 6 से 14 साल तक सभी बालकों को मुख्य शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया है, उस आर्टिकल नंबर क्या है? ऑप्शन सर 19A लग रहा है सर। नहीं, मैं आपको विकल्प देता हूँ, ये रहे आपके 3 विकल्प। पहला विकल्प है आपके लिए आर्टिकल 14, दूसरा विकल्प है आर्टिकल 19, तीसरा विकल्प है आर्टिकल 21A और C, और चौथा विकल्प नहीं, ये 3 ही विकल्प है। देखिए पहला है 14, 21A सर। 21 ये सर। आपको क्या लगता है? 19A। 19A, 21 ये है और एक 91 ये है।
तो मैं 91 ए के साथ, जहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होशियार होती है, लेकिन ये प्रतियोगिता है, कभी झूठ भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। सर आपका जवाब जो है वो टैली हो चुका है, अभी आप गलत नहीं बोल सकते। और आपने जो जवाब दिया है, क्या नाम है आपका? अदिति मेश्राम। अदिति मेश्राम, आपका जवाब गलत है और सर आपका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। आर्टिकल 21 सी भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, जिसे हमें पहले वो आर्टिकल 46 था और फिर उसका अमेंडमेंट हो गया, फिर आर्टिकल 21 सी में आया। तीसरा सवाल आपके लिए सर, अगर तीसरे सवाल का सही जवाब देते हो तो आप बन सकते हो सम्यक सवाल के महाविजेता। और ये रहा तीसरा सवाल आपके लिए। ओके सर। 11 अप्रैल 1827 को किस महामानव का जन्म हुआ था, उस महामानव का नाम क्या है? बहुत ही आसान, महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुत ही बढ़िया, सही सटीक जवाब, तीनों सवालों के सही जवाब दिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे लोग यहाँ के गिफ्ट लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनका सत्कार करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, सत्कार करने के लिए हमारे जो साथी है टेकाम साहब और अलीउद्दीन खान साहब आए, और हमारे जो साथी है जो तीनों सवालों के बिल्कुल झटझट सही जवाब दिए, उनका सत्कार करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। और विजय बोरकर भी आइए और इनका सत्कार करिए। आइए सब, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, रुकनी नहीं चाहिए। आपको भी अगर टैलेंट नंबर 1 बनना है तो आप भी तीन सवालों के सही जवाब दीजिए और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपना जो टैलेंट है वो लोगों के सामने लाइए। और ये रहा इस सम्यक सवाल का जो तीसरा पुष्प है, इसका सवाल। और आपके लिए जब भी हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की या फिर छत्रपति शाहू महाराज की, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, छत्रपति शाहू महाराज का निधन कब हुआ था? बहुत ही आसान सा सवाल है, छत्रपति शाहू महाराज का निधन कब हुआ था? कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? हमारे साथ हमारे साथी, चलो इनसे जानते इस सवाल का सही जवाब क्या है। बहुत ही यहाँ पे विद्यार्थी है, वो भी खेलना चाहते हैं सम्यक सवाल प्रतियोगिता, तो इस सवाल देने के लिए कौन तैयार है? आप आइए सबसे पहले और आप आइए, दोनों के साथ खेलेंगे सम्यक सवाल प्रतियोगिता। आपका नाम? आदर्श रामटेके। आदर्श, किसके आदर्श हो आप? मैं अपना खुद का आदर्श हूँ। मम्मी पापा के नहीं हो आप? नहीं नहीं। अच्छा, मम्मी पापा का आदर्श नहीं हो आप? यार क्या करते हो आदर्श आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा ट्रेड है आपका? मैकेनिकल। मैकेनिकल, पक्का? जीत। जय भीम। जय भीम सर। आपका नाम? आम्रपाली खोबरागढ़े। आम्रपाली, ये को आम्रपाली थी जिन्होंने तथागत बुद्ध को आम्रवन दान दिया था। किसी ने आपको दान मांगा तो क्या दोगी, आपकी स्टेट या फिर नौकरी? जी नौकरी दोगे? या किसी ने बोला कि यार नौकरी का रिजाइन दे दो दान में? नहीं नहीं ना। क्या है आपका क्वालिफिकेशन? जीएनएम थर्ड ईयर। अच्छा, जीएनएम थर्ड ईयर। अच्छा, तो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है? जब भी हम छत्रपति शाहू महाराज की बात करते, छत्रपति शाहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज हमें नहीं दिखते, क्योंकि सारा क्रेडिट जो है छत्रपति शाहू महाराज का है, सयाजीराव गायकवाड़ जी का है, ये बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। तो छत्रपति शाहू महाराज का निधन कब हुआ था? ऑप्शन जी। क्या लगता है आपको? सर नो आइडिया। नो आइडिया, तो फिर जो यूज करो यार, नो आइडिया। तो ये रहे आपके तीन विकल्प, पहला विकल्प है 6 फरवरी, दूसरा विकल्प है 6 दिसंबर और तीसरा विकल्प है 6 मई। तीन विकल्प आपके पास है। सर फरवरी। 6 फरवरी, आपको क्या लगता है? 6 फरवरी। 6 फरवरी, दोनों साथ साथ है, देखते हैं इनका जवाब टैली करके। लेकिन वहां से इशारा हो गया, वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जानेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी पर सम्यक सवाल ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता। और आज है हम धम्मदीप बुद्ध विहार मालाजखंड में, और यहाँ पे होती है विहार में गतिविधियाँ जो होता है, यहाँ पे बुद्ध और धम्म का पठन, यहाँ पे होती है बच्चों की प्रतियोगिता, चाहे फिर वो डिबेट्स हो बुद्ध और उनके धम्म पर या भारतीय संविधान पर, यहाँ पे होते संस्कार शिविर, इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत ही टैलेंट है। और जानते इनका सवाल का सही जवाब क्या होगा? और हमारे जो साथी है आदर्श और हमारे जो दूसरी धम्म उपासिका है, आपका नाम? आम्रपाली और आदर्श का जवाब देखते, का जवाब टैली करके उन्होंने जो जवाब दिया है, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है।
तो कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? छत्रपति शाहू महाराज का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? नहीं, एक बार जो आ चुके वो दोबारा नहीं आएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, चलो इनसे भी जानते इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो सबसे पहले किसको बुलाओ मैं यहाँ पे? सबके चेहरे तो नीचे दिख रहे हैं यार मुझे। आप आइए दीदी, अरे आप आइए, डरो मत। और आप आइए, दोनों के साथ खेलेंगे सम्यक सवाल प्रतियोगिता। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? प्रकाश मिश्राम। क्या करते हो प्रकाश जीत? मैं सहारा इंडिया में हूँ। सहारा इंडिया जी। और जय भीम दीदी, क्या करते हो आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। और आपको क्या लगता है? तीसरा आसन क्या था सर? 6 मई था। 6 मई, 6 फरवरी, 6 दिसंबर। 6 मई। 6 मई। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आपने जो जवाब दिया है वो गलत है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। 6 फरवरी को महापरिनिर्वाण हुआ था सयाजीराव गायकवाड़ का। और 6 मई को निधन हुआ था छत्रपति शाहू महाराज का। आपने बहुत ही सही जवाब दिया है। तो चलो दूसरा सवाल हम करते हैं प्रकाश जीत। आपका बहुत अच्छा नाम है, आप प्रकाशमान करते हो सबको। और ये रहा दूसरा सवाल। जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, 21 मार्च 1922 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस परिषद के अध्यक्ष थे और उनके साथ छत्रपति शाहू महाराज भी थे और पहली परिषद थी जिन परिषद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे, वो कौन सी परिषद थी? ऑप्शन चाहिए सर। और ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला विकल्प है महाड़ परिषद, दूसरा विकल्प है नासिक परिषद और तीसरा विकल्प है मानगांव परिषद। मानगांव परिषद। पक्का? देखिए टैली करके सही है या गलत है, देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आप भी गलत साबित नहीं, सही साबित हो चुके। बहुत बढ़िया, मानगांव परिषद। और उस वक्त हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात की थी छत्रपति शाहू महाराज को। ज्या गोष्टीची वाट पाहत होता आज तुम्हाला तुमचा नेता मिळाला आणि ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ते भाकीत सही हुआ था। अभी तीसरा सवाल। जब भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संत कबीर, आई रमाईत, ये सारी बातें सुनते तो हमें लगता है कि इन्होंने कितना काम किया होगा। तो ये रहा तीसरा सवाल आपके लिए, बहुत ही आसान सा सवाल। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को कौन सा वर्तमान पत्र निकाला था, उस वर्तमान पत्र का नाम क्या था? 3 अप्रैल 1927, मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत या समता? अच्छा खेलना है क्योंकि कुछ कदम पीछे हो गिफ्ट लेने के लिए आप, कुछ कदम। प्रकाश जीत, हो सकता है मूक नायक, हो सकता है बहिष्कृत भारत, हो सकता है जनता या हो सकता है समता? बहिष्कृत भारत। पक्का? और आपने गलती नहीं की और सदा सटीक जवाब दे दिया। तीनों सवालों के सही जवाब दिए। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे यहाँ के लोग। अच्छा लॉजिक है आपका। और इनका सत्कार करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, दो नाम मुझे पट से बता दीजिए। मैं शाम जाए और इनका सत्कार करें। भी हम युग प्रवर्तक महिलाओं की बात करते हैं और भारत की ऐसी युग प्रवर्तक महिलाएं जिन्होंने पूरा प्रवर्तन किया है, ऐसी हमारी कुछ महिलाएं जिन्होंने सही में काम किया था पतियों के साथ। तो आपको इस सवाल का सही जवाब देना है। 27 मई 1935 को आई रमाई का निधन
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के किस गृह में हुआ था, उस गृह का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है। 27 मई 1935 को आई रमाई का निधन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के किस गृह में हुआ था, उस गृह का, उस घर का नाम क्या था? कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? हमारे साथ सभी साथी है इस जवाब देने के लिए हमारे साथ, आप आइए सामने और आप आइए। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? धम्मपाल चौरे। क्या सही नाम है धम्म। आप हमेशा धम्म का पालन करते हो चौरे जी? नहीं करता हूँ। फिर आप नहीं, ये नाम किसने रखा है आपका? ये पिताजी ने। तो बोलना था कि यार ऐसा नाम मत करो, करना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ पालन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा करना चाहिए आपने। लेकिन सही तो बात की है आपने, यानी आपने जो चौथा सील है मूसा वादा वेरमनी सिक्का पदम समाधियामी, उसका पूरा पालन किया आपने, बहुत ही अच्छा। क्या करते हो आप धम्मपाल जी? मैं यही कॉपर प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। कौन से पोस्ट पे? सर्विस इंजीनियर की पोस्ट में। बहुत बढ़िया। जय भीम। आपका नाम? दयावंती मिश्राम। अवंती मिश्राम की। दयावंती। दयावंती का मतलब क्या होता है? जो दया करे। अच्छा, आप सभी लोगों पे दया करती हो। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अच्छा, किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो आप? बैंक और एसएससी। क्यों बैंक की आपने क्यों चूज किया और एसएससी आपने क्यों चूज किया? बैंक मैथ्स से रिलेटेड है और एसएससी गवर्नमेंट। अच्छा, बैंक मैथ्स के थ्रू रिलेटेड और एसएससी, यानी सब लोग गवर्नमेंट में जाना चाहते। लेकिन पहले इस सवाल का सही जवाब, 27 मई 1935 को आई रमाई का निर्वाण, महापरिनिर्वाण किस गृह में हुआ था, उस गृह का नाम क्या था? ऑप्शन दे दीजिए। क्या लगता है आपको? मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, ऑप्शन की आइडिया आ जाएंगी ऑप्शन देने के बाद। और ये रहा पहला विकल्प आपके लिए, संतागार गृह। दूसरा है राजगृह और तीसरा है हिंदू गृह। तीन गृह आपके पास है। राजगृह होना। राजगृह। आपको क्या लगता है सर? पहला वाला क्या था? संतागार गृह। राजगृह है, संतागार गृह है और हिंदू गृह है। पहला वाला संतागार गृह। आपको राजगुरु जी। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और मैं धम्मपाल जी के साथ हूँ और धम्मपाल जी आपने बहुत सही जवाब दिया है, राजगुरु। क्योंकि बाबा साहब ने जो घर बनवाया था उसका नाम था राजगुरु। बहुत सही जवाब दिया है। लेकिन वहाँ से इशारा मिल गया कि कार्यक्रम लास्ट स्टेज पे है और इसलिए आपका जो सत्कार करेंगे वो हमारे साथी विजय बोरकर जी और हमारे युवराज भारमाटे जी यहाँ पे आर उनका सत्कार करें दोनों का। जो लोग घर बैठे सम्यक सवाल प्रतियोगिता को देख रहे हैं इनके लिए सुनहरा मौका है। आप अपनी कलम उठाए या मोबाइल उठाए और इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आज का सवाल ये है, जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो पांचवा अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट कब हुआ था? बहुत ही आसान सा सवाल है। जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पांचवा अमेंडमेंट क्या है? अगर आपका जवाब सही है तो आप इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोबाइल इस प्रकार है 8208977603। अगर आपका जवाब सही है तो आपको मिलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर की ओर से 21 प्रकार के चार्ट और सम्यक सवाल ये बुक। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी टैलेंट नंबर वन बनना चाहते, घर में चाहिए किताब उठाइए और तीनों सवालों के सही जवाब दीजिए, क्योंकि आपके विहार का नंबर कब आएगा। आज के लिए उतना ही। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट कोमल पाटिल के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सम्यक सवाल, सवाल हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ, सवाल जो सोच बदल दे। आपके यहाँ आपके बुद्ध विहार में तीन सवाल के जवाब दीजिए और जीतिए इनाम। आपके बुद्ध विहार में बौद्धिक सवाल, सवाल हमारे जवाब आपके। जुड़िए आप भी लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। एक बार फिर से प्रस्तुत सम्यक सवाल।